हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला मैगी की रेसिपी। मैगी बच्चे हों या बड़े, सभी को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बच्चों की ये तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट होती है, बट आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने ये 10-10 रुपये वाले यहाँ पर ये दो पैकेट मैगी के लिए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पैकेटों को खोल लेते हैं और मैगी को निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों ही पैकेट मैगी के निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं गैस पर। मैंने ये पैन रख दिया है, इसमें डाल दिया मैंने यहाँ पर ये 1.5 गिलास पानी। पानी में हमारे यहाँ पर बॉईल आने लगा है, तो इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच तेल और साथ में डाल देंगे यहाँ पर ये मैगी। तो मैगी को इस तरह से हाथ कर थोड़ा सा तोड़ देंगे दो पीसेस में। ये देखिए, पानी में पहले तेल डाल देने से हमारी मैगी चिपकती नहीं है और एकदम खिली खिली बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि मैगी हमारी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मैगी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और मैगी को छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से छन्नी के ऊपर मैंने ये मैगी डाल दी है, उसका सारा पानी निकल गया है। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और मैगी हमारे यहाँ पर ज़्यादा ना पके। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से प्लेट में फैला दिया है ताकि आपस में बिल्कुल न चिपके और अच्छे से ठंडी हो जाए। उसी पैन को मैंने फिर से गैस पर रख लिया है। इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल के। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियों को काट के ले लिया है, इन्हें डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे 1 हरी मिर्च जिसे मैंने मोटा मोटा काट के लिया है। तो दोनों चीज़ों को कुछ सेकेंड के लिए हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे तेल में। अब मैंने यहाँ पर ये 1 मीडियम साइज के प्याज को देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा काट कर लिया है, तो इसे भी पका लेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। ये देखिए, प्याज भी हमारा हल्का सा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की सब्जियाँ मिला लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों में मैंने लिया है ये शिमला मिर्च थोड़ी सी बारीक कटी हुई, गाजर, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ये फ्रोजन मटर के दाने लिए हैं और ये लिए थोड़ी सी बंद गोभी। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, जो आपको सब्जी पसंद हो इसमें ऐड कर लीजिए। और साथ में डाल देंगे यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक। अब हमें इन सब्जियों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इन्हें पकाना है 1 से 2 मिनट तक। बस इनका हल्का सा क्रंचीनेस बना रहे, एकदम से ना पक जाए सब्जियाँ। तो सब्जियाँ देखिए हमारे यहाँ पर ये हल्की सी पक चुकी हैं। तो हमने जो ये नूडल्स रखे हुए थे मैगी के, इन्हें हम पैन में डाल देंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच लिया है रेड चिली सॉस, 1 चम्मच लिया है टमाटो सॉस, 1/2 छोटी चम्मच लिया है विनेगर और 1 चम्मच लिया है यहाँ पर सोया सॉस। साथ में जो दोनों पैकेट हमारे पास ये टेस्ट मेकर के हैं, इन्हें भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारी मैगी भी देखिए ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, एकदम खिली खिली परफेक्ट ये मैगी बनकर तैयार हुई है यहाँ पर। ये देखिए, तो अब गैस को ऑफ करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, मैगी बनकर तैयार है। तो इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ। ये देखिए, और हमारी ये मैगी बनकर तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी चिपचिपी ये मैगी बनकर तैयार नहीं है। आप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।